तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिलाएगा 30 मार्च दोपहर 2 बजे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 100 नंबर का एक पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी परीक्षार्थी को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी सभी क्वेश्चन के सम्मुख उनके अंक हैं, ठीक है। और देखिए सेक्शन ए आता है रीडिंग। दोस्तों इसमें आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो दिए गए नीचे क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेजियस एनिमल, व्हाट क्रूशियल रोल टू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स, ठीक है। हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लिविंग गॉड, ठीक है। यही सब क्वेश्चन का, इन सब का आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा। यही होता अनसीन पैसेज, जिसे आप कभी ना पढ़े हो वही होता अनसीन पैसेज। इसके लिए आपको देख लीजिए 3 3 9 9 हो गया। और देखिए दो क्वेश्चन यहां पर हैं आपके पास, टोटल 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 3 3 9 और 6 15 15 नंबर का आपका आता है अनसीन पैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों आता है सेक्शन बी राइटिंग। राइटिंग में राइट एन आर्टिकल वन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 × 150 वर्ड्स, ये भी आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें आपको आर्टिकल लिखना इन्हीं 3 टॉपिक्स में, जैसे इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, माय प्लान्स फॉर फ्यूचर। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे दोस्तों। और देखिए अथवा करके दिया जाता है, एक ही लेटर आपको लिखना होता है। अथवा करके क्या दिया गया है, आर करके, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। अब देखिए सेक्शन सी आता है ग्रामर। ग्रामर में आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। इसमें आपको टिक लगाना है, भी बहुविकल्पीय आपसे पूछा जाएगा। 10 नंबर देख लीजिए, 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हर प्रश्न के 10 नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, टोटल यहां से 10 नंबर आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके 10 नंबर आएंगे बहुविकल्पीय से, आप कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद आता है 10 नंबर यहां से हो गए। और देखिए 5वें नंबर पर प्रश्न, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी 2 आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कोई आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी वाले में क्या कहा जाता है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी इसको आप कंप्लेंट सेंटेंस में या फिर कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, कोई इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस, कंप्लेंट सेंटेंस आप जरूर देखकर आना, ठीक है। और देखिए जी तीसरा का है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी पैसिव वॉइस और कंपैरेटिव डिग्री। देखिए पहले में क्या है, आई कैन डू इट, इसे पैसिव वॉइस में आपको बदल दीजिए, या फिर दूसरे में दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी ऑफ द डिसीज कंपैरेटिव डिग्री, इसे आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलें, या फिर इसे आप पैसिव वॉइस में, दोनों में से कोई एक करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए डी में क्या कहा जाता है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर ए सीनियर देन मी, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। और देखिए यूज ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन आवर सेंटेंस मेक द डिफरेंस
द मेयर इन क्लियर, ठीक है। तो जैसे आपका शब्द युग्म होता था उसी तरह से आपको ए भी आ गया, रिफ्यूज और रिफ्यूज, इसका दो दो अर्थ रहते हैं, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आता है सिक्स नंबर क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, ये आपसे पांच नंबर का पूछा जाएगा। और देखिए सेक्शन डी लिटरेचर आता है, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, देख लीजिए प्रोस से चार क्वेश्चन आपके पास होंगे, दो क्वेश्चन आपके पास होंगे और चार चार मार्क के, ठीक है। तो आपको प्रोस के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों चार चार नंबर के क्वेश्चन होंगे, तीन क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उन तीनों में से दो आपको करना होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके पास दिए गए, ए में है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, और देखिए आर करके दिया है हु वाज राजकुमार शुक्ल, व्हाट डिड द टू द बिरिंग गांधी जी इन टू चैंपियन चंपारण, ठीक है। और देखिए बी में क्या कहा जाता है, व्हाई डिड मिस्टर हेमल यम आर हेमल यम हर एमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिम सेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, इसे आप लिख सकते हैं, या फिर इसमें भी अथवा करके दिया आया है, व्हाई डिड द प्रेडलर कंसिडर द वर्ल्ड इज एज ए रैट ट्रैप, ए रैट ट्रैप चैप्टर से है, और ये जो है ये द लास्ट लेसन चैप्टर से है, और देखिए ये सीमापुरी चैप्टर से है, यहां से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आठ में आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ में ये भी आपसे प्रोस से ही पूछा जाएगा, जिसमें आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको सात नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखना होगा अपने बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नौ में क्या कहा जाता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, देखिए तीन क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, उन तीनों के दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, देख लीजिए दो क्वेश्चन आपके पास है, दोनों क्वेश्चन तीन तीन नंबर के हैं और वहां से आपको छह नंबर मिलेंगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फेयर द एलवेज एंड द मोस्टी, देख लीजिए दोस्तों आपको आपके पास तीन क्वेश्चन है और उन तीन क्वेश्चन के दो दो नंबर दिए गए हैं, टोटल आपके हो जाएंगे छह नंबर पोट्री से, ठीक है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी आपको ये जो पोएम्स दी गई है इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर, इन तीनों में से कोई एक ना एक आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा, ये 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए ग्यारहवें नंबर पर क्या क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, यानी 40 शब्दों में आपको आंसर देना है, ठीक है। देख लीजिए तीन प्रश्न आपके पास दिए जाएंगे, चार प्रश्न, चारों में से दो ही आपको करना होगा, ठीक है। तो यहां ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री से, सप्लीमेंट्री आप पढ़ लीजिएगा, सप्लीमेंट्री से ही आपके आठ नंबर का क्वेश्चन आएगा। और देखिए यहां से आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनेगा जो कि आपका नंबर का पूछा जाएगा। तो आप लॉन्ग आंसर टाइप इन सभी को एक एक वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मॉडल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। पहले में आपको रीडिंग यानी पहले में आपको अनसीन पैसेज 15 नंबर का दिया जाएगा। अनसीन पैसेज वाली भी वीडियो हम आपको लाएंगे क्योंकि दोस्तों ये 15 नंबर का मार्क्स है और ये आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। यही क्वेश्चन पेपर आपको 2:30 को आपके हाथों में होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।